हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिविटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में समझेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेके समझते हैं एग्जाम्पल वन। द प्रोडक्ट of two decimals is 8.408. If one of them is 0.8 decimal, अगर दो डेसिमल नंबर का 8.408 प्रोडक्ट होता है, तो एक नंबर 0.8 है, तो हम लोगों को दूसरे नंबर का पता करना है। दूसरे नंबर का पता करने के लिए हम लोगों को डिवाइड करना होगा। आइए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 8.408। गिवन डेसिमल इज रियल टू 0.8। तो हम लोगों को इसमें दूसरा डेसिमल नंबर पता करना है। आइए हम लोग इसको पता करते हैं। डिवाइड 8408। तो अब 8.408 और 0.8 में दो डेसिमल हो, उसमें दो डेसिमल पॉइंट हैं, तो इसलिए हम लोग 84 के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो और 0.8 में हम लोग सिर्फ 8 लिखेंगे। तो अब हम लोगों को 8 की टेबल इतनी बार पढ़नी है कि 8 से ज़्यादा ना जाए, तो 8 बन जा 8। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो 8-8 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग 4 को कॉपी करेंगे। 4 8 से छोटा है, इसलिए हम लोग 4 के आगे 0 लगाएंगे और यहाँ 1 के बाद भी 0 लगाएंगे। तो 8 5 जा 40। तो 8 5 जा 40। अब 40-40 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग 8 को कॉपी करेंगे और 8 1 जा 8, हम लोग 1 लिखेंगे और 8-8, तो हम लोगों का क्या आंसर आएगा? 0। तो 84.08 में 2 डेसिमल प्लेस के बाहर पॉइंट है, तो हम लोग 1051 में भी 2 डेसिमल के बाद 1 डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो देयरफोर द अदर डेसिमल इज इक्वल टू 8.408 डिवाइड 0.8 इज इक्वल टू 10.51। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को लेकर समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज रुपीज 18.50 एंड डेट of a pen is rupees 7.50. Nisi bought 3 books and 2 pens. How much
मैंने डिड सी स्पेंड ऑन दीज आइटम्स। तो एक बुक का कॉस्ट 18.50 रुपीस था और एक पेन का 7.50 रुपीस कॉस्ट था। तो निशी ने 3 बुक्स और 2 पेन्स खरीदे हैं, तो उसने कितने पैसे खर्च किए इन चीज़ों में? तो आइए अब हम लोग इसको पता करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ अ बुक इज इक्वल टू रुपीज 18.50। कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज 18.50 इंटू 3। तो अब 3 बुक्स का कॉस्ट जानने के लिए हम लोगों को 18.50 इंटू 3 को करना होगा। तो 3 जीरो जो हम लोग का क्या होगा, 0। तो 3 5 जब 15, हम लोग 5 लिखेंगे और हम लोग की 1 होगी कैरी। 8 3 जब 24 और 1 25, तो हम लोग 5 लिखेंगे और 2 हम लोग की क्या होगी, कैरी। और 3 1 जब 3 और 2 हम लोग की 2 हम लोग का क्या होगा, 5। तो और 2 डेसिमल पॉइंट प्लेस के बाद 1 पॉइंट है, तो हम लोग 2 डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो हम लोग का 3 बुक्स का पैसा होगा 55.50। अब हम लोगों को 2 पेंस की कॉस्ट देखनी है। तो कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू रुपीज 7.50। कॉस्ट ऑफ 2 पेंस इज इक्वल टू रुपीज 7.50 इंटू 2। तो हम लोगों को 2 पेंस का कॉस्ट 7.50 इंटू 2 पे करना होगा। तो 7.50 इंटू 2 इज इक्वल टू 15.0। अब हम लोगों को इन सब का पैसा पता करना है, तो इन दोनों को हम लोग को ऐड करना होगा। तो मनी स्पेंड इज इक्वल टू रुपीज 55.50 प्लस रुपीज 15.0, तो रुपीज 70.50। तो इन सामान में 70.50 रुपीज निशी ने खर्च किए। लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।